हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ करीना कपूर खान मेकअप इंस्पायर्ड वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो ये वाला जो मेकअप लुक है मुझे बहुत अच्छा लगा था। ब्लू ग्लिटर ड्रेस उन्होंने कैरी की है और मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट न्यूड मेकअप है और बहुत ही फ्लॉलेस नज़र आ रहा है। सो आई थॉट कि मैं ये वाला मेकअप मैं भी एक बार ट्राई करके देखूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमर से स्टार्ट करेंगे ताकि जितने भी ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। और प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मेकअप को अप्लाई करने के लिए, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इससे हमारे सभी पोर्स क्लोज हो जाते हैं, मेकअप एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ होती है और कहीं भी आपको ड्राई पैचेस नज़र नहीं आते। और मेकअप जो है करीना मैम का वो ऑलमोस्ट मैट फिनिश में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ड्यूई लुक नहीं है। सो फॉर दैट मैट फिनिश मैं ये मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मैट लुक देता है, ऑयली स्किन पीपल के लिए बेस्ट फाउंडेशन है इस रेंज में और कवरेज इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद सभी इनकरेक्टनेस को कंसील करने के लिए मैं ये ओलिविया की पैन स्टिक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये फाउंडेशन एंड कंसीलर दोनों का काम करती है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें पैराबेंस है, तो अगर आपको फिर भी यूज़ करके देखनी हो तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। तो सभी हाई पॉइंट्स पे मैंने अंडर आइज, ब्रिज ऑफ नोज, चिन, चीक्स, क्यूपिड बो एंड फोरहेड सभी जगह अप्लाई किया है और डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। और ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है आपकी स्किन में, बहुत ज़्यादा आपको मेकअप वाला लुक नहीं नज़र आता है। सो अच्छी है, नेचुरल फिनिश देती है। सो एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, अफोर्डेबल है, 120 समथिंग की रेंज में आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी। सो कितनी आसानी से ये सब ब्लेंड हो गई है। और इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने कंसीलर फाउंडेशन को सेट करने के लिए मेबलिन फिट मी फाउंडेशन यूज़ किया है इन द शेड 130। बहुत ही अच्छा ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसमें थोड़ा सा आपको शाइन नज़र आती है, जो कि अगर आप कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो उसके लिए अप्रोप्रिएट है। अदरवाइज आप दूसरा कोई जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट हो वो यूज़ कर सकते हैं। एंड करीना मैम की आईब्रोज जो हैं वो ब्राउन आईब्रोज नज़र आ रही हैं, बट माइन आईब्रोज आर ब्लैक। सो मैं उसको थोड़ा सा कलर को डिफ्यूज़ करना चाह रही हूँ और ये मैंने ब्राउन आईब्रो पेंसिल यूज़ की है, NYB की आईब्रो पेंसिल। सो ये ब्राउन कलर में है ताकि मेरी आईब्रोज का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए और थोड़ा मेकअप में मैच हो। सो ये मैंने दोनों आईब्रोज डन कर ली हैं। उसके बाद करीना मैम के आई मेकअप में जैसा आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा आई मेकअप नज़र नहीं आ रहा है, बहुत ही न्यूड एंड नेचुरल सा न्यूट्रल आई मेकअप है। सो फॉर दैट न्यूट्रल लुक मैं ये ब्राउन वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ मार्स के पैलेट में से ट्रांजिशन कलर के तौर पे। और उसके बाद ग्लैंड 21 के पैलेट में से ये शिमरी ब्राउन वाला शेड मैंने यूज़ किया है। ये बहुत ही लाइट शेड है, सो थोड़ा सा आई शेडो नज़र आए बट बहुत ज़्यादा नज़र ना आए, इसलिए मैंने ये लाइट ब्राउन वाला शेड अप्लाई किया है। और आईलाइनर की अगर बात करें तो करीना मैम ने आईलाइनर एक बहुत ही सॉफ्ट विंग आईलाइनर कैरी किया है, लाइक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग विंग नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने भी एक छोटा सा विंग ही क्रिएट किया है आईज़ पे और इसी को ही मैं फिल कर रही हूँ। और ये स्टे क्विकी का आईलाइनर है ब्लैक कलर में। सो छोटा सा ही विंग आईलाइनर मैं इसमें अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड आई थिंक इसमें नहीं है जितना कि मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद वाटर लाइन को फिल करने के लिए मैंने लैक्मे आइकॉनिक काजल यूज़ की है और ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं की है, बस वाटर लाइन को ही मैंने फिल किया है और थोड़ा सा उसको स्मोक आउट किया है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आए। बहुत ज़्यादा मैंने स्मज नहीं किया है इसको स्मोकी लुक के लिए, बहुत ही हल्का सा इसको बस स्मज आउट किया है। इसके बाद मैं अपने नेचुरल लैशेस को कर्ल करने के लिए ये आईलैश कर्लर यूज़ कर रही हूँ पहले, ताकि मेरी जो नेचुरल लैशेस है वो थोड़ी स्ट्रेट है तो थोड़ा सा कर्ली लुक आए उसमें। और मैं जहाँ तक कि आईलैशेस की बात है तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने अपनी नेचुरल आईलैशेस में ही अच्छे हैवी कोट का मस्कारा यूज़ किया है, फॉल्सेस उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं। सो मैंने यहाँ पे फॉल्सेस यूज़ करने की बजाय
मैंने भी अच्छा हैवी कोट मस्कारा यूज़ किया है ताकि आई लैशेज थोड़ी थिक लगे, और सेम ब्राउन कलर ही मैंने अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई किया है ताकि थोड़ा सा जो उनकी आईज़ में ब्राउन शेड नज़र आ रहा है लोअर लैश लाइन में, उसी तरह का लुक अचीव हो पाए। सो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया है। और इनकेस अगर कुछ फॉल आउट होता है तो आप इस तरह से डस्ट ऑफ कर सकते हैं किसी भी कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर की हेल्प से। इसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए मैंने ब्राउन शेड यूज़ की है। करीना मैम का फेस बहुत ही स्कल्प्टेड और वेल स्ट्रक्चर्ड लगता है, और कॉन्टोरिंग के बाद तो लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उस तरह का थोड़ा सा स्कल्प्टेड लुक देने के लिए मैंने इस तरह की कॉन्टोरिंग का पहले बस कॉन्टोरिंग पहले ड्रॉ की है, इसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ा सा वो शार्प लुक आए फेस पे, और जॉ लाइन पे भी मैंने कॉन्टोरिंग की है अप्लाई। सो जॉ लाइन पे मैं ऑलवेज ब्रश की हेल्प से ही कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ, बट चीक्स पे मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रश से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड करूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर से अगर जब हम ब्लेंड करते हैं तो अच्छा लुक आता है। सो इस तरह का शार्प लुक देने के लिए मैंने थोड़े से इस तरह की शेप में कॉन्टोरिंग अप्लाई की है, और अब कॉन्टोरिंग भी थोड़ी सी शार्प नज़र आए और ज़्यादा, तो जस्ट बिलो टू माई कॉन्टोर मैंने ये कंसीलर अप्लाई किया है NYBAE का, ताकि कॉन्टोरिंग बहुत शार्प और क्लीन नज़र आए। तो ये ब्लेंड करने के बाद मैंने नोज़ पे भी कॉन्टोरिंग की है, और नोज़ पे कॉन्टोरिंग फिंगर की हेल्प से बहुत ईजिली हो जाती है। सो आप चाहे तो फिंगर की हेल्प से या फिर ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से भी कॉन्टोरिंग ब्लेंड कर सकते हैं, बट कॉन्टोरिंग थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद अगर ब्लश की बात करें तो बहुत ही हल्का सा ब्लश नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है करीना मैम ने। सो मैंने भी इसीलिए बहुत ही हल्का सा ब्लश अप्लाई किया है ADS के पैलेट में से, एंड हाईलाइटिंग के लिए मैंने ब्रिज ऑफ नोज़ पे हाईलाइट किया है, फोरहेड पे हाईलाइट किया है, चिन पे एंड अपने चीक बोन्स पे भी हाईलाइट किया है। उसके बाद लिप कलर के लिए मैंने न्यूड लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ, 34 नंबर शेड में कलर एसेंस की लिपस्टिक है न्यूड स्यूड। सो ये थोड़ा ब्राउन सा शेड है बट न्यूड कलर है स्टिल, तो मैं ये वाली लिप शेड अप्लाई कर रही हूँ। और मेकअप को अच्छे से लॉक करने के लिए मेकअप रेवोल्यूशन की सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और जैसे कि मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो। इसके बाद ये है फाइनल लुक। आई होप कि मैं थोड़ा बहुत भी उस तरह का लुक अचीव कर पाई हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। सो जल्द ही मैं आपके साथ अपना हेयर केयर के लिए बहुत जल्दी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को ज़रूर देखना। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।